और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद बृजमोहन को लेकर सियासत लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में रहना चाहिए। सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए था, भूपेश बघेल ये कहते नजर आए। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे पर सियासत जारी है। कांग्रेस लगातार कई तरह की तथ्य यहां पर रख रही है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस द्वारा ये तक कहा गया है कि अगर बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। क्योंकि हम चाहते हैं कि ही रहे। 35 साल उनकी इच्छा भी थी, 35 साल से है तो बचत समय भी है, लोकसभा चुनाव हो गया है रहे। क्योंकि सीनियर एक ही मंत्री हैं, बचत तो ना अमर अग्रवाल है, ना राजेश मूणत है, ना धरमलाल कौशिक है, ना विक्रम मंडावी है, ना लता उसेंडी है, विक्रम उसेंडी है। तो सारे सीनियर लोगों को तो साइड लाइन कर दी, एक बचा था उसको भी खो कर दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी में यही है कि सबको मार्गदर्शी मंडल में डालने का काम।